नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्नाह अपडेट और हम इस वक्त मौजूद हैं बिश्नाह के बाईपास में, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक विशेष नाका लगाया गया है और जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर मास्क को भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्नाह अपडेट पर। बिश्नाह के बाईपास चौक से एक जबरदस्त नाका लगाया गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। इसमें आप खास तौर पे एक चीज देख सकते हैं कि लोग कैसे पीछे ही भाग जाते हैं, पीछे से ही गाड़ी को मोड़ लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसलिए वो पीछे से ही ट्रैफिक वालों को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, उससे अपनी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है। जी अब देखिए जान पहचान निकाली जा रही है कि सर क्या 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 उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, क्या क्या यूनिफॉर्म का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे। ये एक ट्रक चला रहे हैं जो शायद रिंग रोड के निर्माण कार्य में लगा हुआ है, लेकिन चालक ने जो है कि उसने यूनिफॉर्म नहीं डाली हुई है, जिसके चलते उन्हें चालान किया जा रहा है। पता नहीं, ये समझ नहीं आती कि ट्रैफिक वालों से नाम क्यों पूछा जाता है जब वो चालान करते हैं। तो आप अपना चालान करवाइए, उनसे क्यों जान पहचान निकालने का प्रयास करें। अगर आपने उल्लंघन किया है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ना आप पे। यहाँ पे अब बिना मास्क का चालान भी किया जा सकता है, तो उसी के चलते गाड़ी वाले को रोका गया है क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं डाला है शायद। मास्क उन्होंने डाली, अब डॉक्यूमेंट जांचे जा रहे हैं। ये कहा गया कि नंबर प्लेट है जो ये हाई सिक्योरिटी वाली नहीं है, ये पुराने दौर की नंबर प्लेट है, इसलिए समझाया जा रहा है कि ये प्लेट भी पुरानी है। नंबर प्लेट साइन लानी चाहिए गाड़ी में, थोड़े डॉक्यूमेंट चेक करा दो, लाइसेंस पोल्यूशन इंश्योरेंस। जांचा जा रहा है कि इन्होंने क्या नंबर प्लेट वगैरह वगैरह। स्पीड इतनी ज्यादा थी गाड़ी की, वो तो ऊपर ही चला देता इनके। यहाँ पे अब बिना मास्क का चालान भी किया जा सकता है, तो उसी के चलते गाड़ी वाले को रोका गया है क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं डाला है शायद। मास्क उन्होंने डाली, अब डॉक्यूमेंट जांचे जा रहे हैं। ये कहा गया कि नंबर प्लेट है जो ये हाई सिक्योरिटी वाली नहीं है, ये पुराने दौर की नंबर प्लेट है, इसलिए समझाया जा रहा है कि ये प्लेट भी पुरानी है। 2017 में इसकी नोटिफिकेशन वो खत्म भी हो गई है। नंबर प्लेट साइन लानी चाहिए गाड़ी में, थोड़े डॉक्यूमेंट चेक करा दो,
लाइसेंस पोल्यूशन इंश्योरेंस। जांचा जा रहा है कि इन्होंने क्या नंबर प्लेट वगैरह वगैरह। स्पीड इतनी ज्यादा थी गाड़ी की, वो तो ऊपर ही चला देता है इनके। देखा जा रहा है गाड़ी के बीच में भी कि क्या लोगों ने मास्क डाले हुए हैं कि नहीं। मास्क सब ने पहनना, ठीक है। ये ड्राइवर कंडक्टर ना ध्यान रखना, डिस्टेंस भी रखना, मास्क सारे पाना, मास्क के बगैर नहीं चलना किसी ने भी। कंडक्टर का काम है, ठीक है, बिना मास्क के कोई नहीं चले। बीमारी फैला दी ना बड़ी, तो अपना ध्यान तो लोगों का ध्यान सारे रखना। गड्डी गड्डी हाँ सवारी नहीं है तो मास्क सारा ध्यान रखना तुम। पंजाब में रहते हो आप तो बिना मास्क के घूम रहे हो आप, गड्डी में लुट गया, बिना मास्क के 500 रुपया चलाना पता आपको गड्डी में लुट गया। आप यहाँ से दुकान में जाओ, मास्क लेके आओ, 10 रुपये का मास्क पहन के घूमना, बिना मास्क के नहीं घूमना है, ठीक है। वो इसको बताओ मास्क कहाँ पे चले गए, मास्क लेके लाओ, दुकान जाओ 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 साथ में दुकान ऑटो खड़ा ना, वहाँ से मास्क लेके आओ। हेलमेट आपने नहीं डाली है? हेलमेट नहीं डाली है। हेलमेट आप डाल ले रहे हो, आपको इमरजेंसी में जाना है, आगे को गाड़ी हिट करेगी, आपका बचाव है ना, अगर सर में हेड इंजरी हो जाएगी तो आपका है को बचाओ। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये ये ना जनाब डॉक्यूमेंट है, आपका पूरा परिवार है, आप ठीक है, फिट है तो आपका परिवार चलेगा, ठीक है नी। आप हेलमेट डालोगे, हेलमेट डालोगे तो बच्चा जल्दी जल्दी पाई नहीं है जनाब, ये है जनाब होगा सू सर आपको नहीं लगता हेलमेट जरूरी डालनी चाहिए थी? हेलमेट है ही जनाब, जल्दी जल्दी ड्यूटी आने कारण काले हुई है, उसकी वजह से नहीं पाई। सर जल्दी जल्दी में हेलमेट तो जरूरी है ना, जरूर हादसा हो जाएगा आपको सिर को लग जाएगी तो फिर आपकी सुरक्षा के लिए है ना, तो आपको नहीं लगता डालनी चाहिए थी? और उस ऊपर से आपके पास कागज भी पूरे नहीं है, गाड़ी की आरसी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ये 2 महीने हो गया जनाब इतना आगे ले लिया जी। अरे भाई गाड़ी आप कंपनी से जब निकालते हो तो 1 महीने के अंदर कंपनी नंबर लगा के देती है, रजिस्ट्रेशन होकर उसकी आरसी देते हैं आप, वो आपकी मिस्टेक है कि आपने नहीं लिया कंपनी से, ऊपर से हेलमेट नहीं ला लिया आपने। हेलमेट जनाब लेती भी खड़ी पड़ी जल्दी भाई कने डिप्टी यार जनाब लेट हुई है। लेकिन सर गाड़ी को नंबर तो लगा हुआ है, गाड़ी को नंबर लगा है, आरसी इसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अदरवाइज इनके पास है ही नहीं है गाड़ी की आरसी। ऐसे ये संदेह, ऐसे ये संदेह में हो जाती गाड़ी चोरी को तो नहीं? ये इसीलिए तो हम चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, इसीलिए तो चेक कर रहे हैं। चोरी की भी हो सकती है गाड़ी, अब आपके पास क्या प्रूफ है कि गाड़ी मेरी है जनाब? यहाँ सीता कटाई
मास्क ऊपर का पूरा, ये नाक का पूरा बंद होना चाहिए आपका, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी और सबकी सेफ्टी है इसमें। और गाड़ी जो है ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए बराबर, ठीक है। जितना बताया आपने पूरा आपने एसओपी पूरी अपनानी है इसकी कोरोना की, ठीक है। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मास्क सबका, ये कंडक्टर का काम है जो मास्क चेक करना है, बिना मास्क को भी चलाना उधर बंदा, ठीक है। सुनो आपने सीट बेल्ट नहीं डाली है, यूनिफॉर्म आपने नहीं डाली है। मिस्त्री पास जा रहा हूँ, घर से नहीं कभी घर से आते हैं। नंबर प्लेट जो है वो हाई सिक्योरिटी चाहिए, पता आपको अप्लाई किया हुआ है? हाँ, कहाँ पे है उसकी रसीद है आपके पास? उसकी रसीद रखनी है इसका, नहीं तो 2200 रुपया चलाना है इसका, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि थ्रू आउट इंडिया में यही चलता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। आज आपको समझा रहे हैं, नहीं तो अगली बार चलान हो जाएगा, ठीक है। ये सीट बेल्ट है और मास्क सबने पहना, जो फ्रंट पे चल रहा है दोनों ने पहने, इन्होंने पहने, इनको भी सीट बेल्ट बना दो, सीट बेल्ट दोनों ने पहननी जो आगे बैठेंगे, ठीक है। इसका 2000 रुपया चलो जी। सर आज विशेष एक नाका लगाया गया है बिश्ना बाईपास में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को? ये लोगों को मेन तो पहले तो एसओपी जो है कोरोना के तहत जो दी गई है उसका उनको लोगों को बता रहे हैं कि इनका पूरी तरह से पालन करें, मास्क पहन के चलें, सोशल डिस्टेंस रखें। मेटाडोर वालों को बता रहे हैं, जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनको हम समझा रहे हैं कि मास्क जो पहनना है वो सबके लिए ज़रूरी है, आप लोगों के लिए और बाकियों के लिए भी। और दूसरा जो है वो टू व्हीलर पे जो चल रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि हेलमेट पहने, और फोर व्हीलर जो हैं वो दोनों सीट बेल्ट पहन के चलें। बीच में उनको चलानी भी दे रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं। सर कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर पीछे से ही मुड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग कौन है? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे या कुछ उनके पास कमी होगी जिस वजह से वो पीछे से मुड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? उनके नंबर वगैरह हम कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और उनको हो सकता है घर में मैसेज दें या कोई चलाने का कोई करें उनको। सर लोग बिना हेलमेट के, काफी लोग हैं जो बिना निकलते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, कितना जरूरी है हेलमेट? हेलमेट तो आपकी अपनी सेफ्टी है, इसमें कोई चलाने या उसके लिए लोगों को भागना नहीं चाहिए। यह हम तो लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, उनको समझाने के लिए खड़े हैं यहाँ पे कि हेलमेट और सीट बेल्ट जो है उनकी सेफ्टी है। चलानिंग हमारा नंबर टू पे होता है, पहला काम है हमारा लोगों को समझाना, आपकी सेफ्टी जो है पहले वो हम देखते हैं कि सेफ्टी अपने आप करो आप। सर कोविड एसओपी को लेकर किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? वो तो जो मेटाडोर वाले हैं या जो लोग कारों में चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं उनको हम यही समझा रहे हैं कि जो मास्क हैं वो सबसे ज़रूरी है, मास्क पहन के चलें आप, क्योंकि ये कोरोना जितना भी है वो अभी फैल रहा है, हाई पीक पे है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कम निकलें घर पर, जो ज़रूरी है वही जाएँ और मास्क के बगैर मत निकलें। सर बिना मास्क के लोगों पर किस तरह की आज कार्रवाई देखने को मिल रही है? उनका तो हमारे पास है नहीं, वो थाने वाले हैं, उनके पास चलानी की